सबसे पहले हम आपसे ये अर्ज करेंगे कि हमारी ये जो छोटी सी काविश हमने पाकिस्तान के प्यारे शहर कराची डिफेंस में लगाई है, जिसको आप आर्ट शो कहेंगे, और इस आर्ट शो का जो मकसद है वो ये है कि लोगों को आर्ट से रूशनास कराया जाए, लोगों में आर्ट का शऊर दिलाया जाए, आर्ट से कुर्बत पैदा की जाए, लोगों के मुशाहदे को बढ़ाया जाए। वो किस तरह बढ़ेगा? जब आप इन चीज़ों को बहुत करीब से देखेंगे, इसके लिए कुछ वक्त निकालेंगे, कुछ जज्बा पैदा करेंगे। कहने का मकसद यह है कि आप आर्ट से मोहब्बत करें। आर्ट किसी वजह से आप खरीद नहीं सकते तो आप एक कलर बॉक्स जरूर खरीदिए और एक बुकलेट, एक कॉपी, एक कपड़ा, एक कैनवस, उस पर अपनी जिद्दत और अपनी इख्तरा ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप आर्ट बनाएंगे नहीं और जब तक आप आर्ट देखेंगे नहीं और उन जज्बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे, तो आप ये समझिए किसी चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी आ रही है। आर्ट का ताल्लुक डायरेक्ट इंसान की रूहानियत से। अब हमने ये आर्ट शो जो लगाया है, ये एक वेकअप कॉल है उस माशरे के लिए जहां आर्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा, और जो वो हो रहा है उसका हमारे जैसे प्रोफेशनल को अंदाज़ा नहीं हो रहा। लोगों को बुलाया जाता है, वो नहीं पहुंचते, उनसे कहा जाता है कि भाई आप ज़रूर आएँ, वो अपने मसाइल में, खुद करदा मसाइल में इतने उलझे हुए हैं कि वो आर्ट के लिए उनके पास टाइम नहीं, ना आर्ट के लिए पैसे हैं। कहते हैं भाई मैं तो आर्ट खरीद नहीं सकता, मेरी प्रायोरिटीज दूसरी हैं। भैया आपके साथ ऐसी क्या मुसीबत हो गई है कि आपकी प्रायोरिटीज इतनी मुख्तलिफ हैं कि आप आर्ट को एम्ब्रेस नहीं कर सकते, आप आर्ट से मोहब्बत नहीं कर सकते, आप आर्ट को अपने घर की दीवार पर, ऑफिस की दीवार पर लगा नहीं सकते। चले हम आपकी इस मंजिल को और इस जस्तजू को आसान कर देते हैं। आपने हमसे आर्ट अगर नहीं खरीदना तो फिर हम आपको किराए पर देंगे आर्ट आपके ऑफिस के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए। हमने आपको आर्ट किराए पर देना है। आपको इंशाल्लाह जिस तरह मकान किराए पर मिलते हैं, उस तरह आपको हमारे पास से, हमारी कंपनी से आर्ट आपको मिलेगा किराए पर। आप किराए पर 3 महीने से 6 महीने तक 1 लाख से 2 लाख की कीमत का आर्ट हम आपको किराए पर देंगे। उसके बाद अगर आप फैसला करते हैं इसको ख़रीदने का, तो इंशाल्लाह आपको आपका रेंट भी वापस कर दिया जाएगा, वो रेंट भी आपका घटा दिया जाएगा उस आर्ट की कीमत से, और वो आर्ट पीस आपका हो जाएगा, आपने डिफरेंस पे कर देना है। तो याद रखिए, आपने हमारे फंक्शंस में, हमारी शोज़ में ज़रूर आना है, और बहुत जल्द हम होटल मैरियट में एक आर्ट ऑक्शन लगा रहे हैं, आपने वहाँ ज़रूर पहुँचना है और पैलेट उठा के आर्ट ख़रीदना है, क्योंकि कीमतें इतनी कम होंगी कि आप महसूस करेंगे कि आपने एक आर्ट पीस फ्री में ख़रीदा है, फ्री में लेकर अपने घर गए। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि यार आर्ट के साथ मोहब्बत करो, आर्ट से दूरी मत पैदा करो। ये जो तुम्हारी दूरियां हैं आर्ट से, इसने हमारे मिजाज को ये लाहेमल दिया है कि भाई ये वो मुल्क है जहाँ आर्ट पसंद नहीं किया जाता, तो आपने ये नहीं करना है। जिस कौम के पास भी कल्चर और कल्चर से रिलेटेड चीज़ों में कमी और कमतरी आती जा रही है, वो कौमें जो हैं आगे नहीं बढ़ सकती। कौम की अजमत का ताल्लुक हमेशा आर्ट से। आर्ट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और तमाम पाकिस्तान के आर्टिस्ट जिंदाबाद, पाकिस्तान की पब्लिक जिंदाबाद। लेकिन आपने आर्ट से प्यार करना है और अपनी दीवारों पर आर्ट को सजाना है, ये आपने नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया।
जब आपने जब मुझसे एंड्रॉइड ले रहे थे आ रही थी वॉल। अभी आपने मुझे सुनवाना, फिर आपने इसको डालना इंफॉर्मेशन उस पर जितने भी आपके टूल्स हैं फैलाएं। मैं काफी बुलंद आवाज में बोल रहा हूँ ताकि आपके रिकॉर्ड हो जाए। ठीक सेलफोन पे भी ऐसे ऐसे मतलब माइक लगे हुए छोटे छोटे कि कभी रिकॉर्ड कर तो एक मैंने डाले लोगों ने नेट पे होता आवाज नहीं आ रही। मैं यार मुझे तो माइक की भी जरूरत नहीं है। अब मैं ज्यादा बुलंद बोला, वो इंटरव्यू में कहा हुआ था कहीं, इसलिए ज्यादा जोर से बोल रहा था। इन्होंने ट्यूब वगैरह पर डाला होता आवाज ही नहीं आ रही। आवाज तो आनी चाहिए, पैगाम तो आपको मिलना चाहिए। शो का ये हमने एक आर्ट शो लगाया है, इसको आप हमारी छोटी सी काविश समझो। और उसका मतलब ये है कि आर्ट का शऊर और फरोग, इसकी जो बेसिक साइकोलॉजी है शो की, कि भाई लोग आर्ट के करीब आए, देखें इसको, इसका तजिया करने की कोशिश करें। और सबसे पहले हमारी जो इस वक्त कोशिश ये है कि ये इसका तजिया करें, इसके बाद जिन्हें कोई चीज़ पसंद आती है तो उसके बारे में सोचे कि यार आर्ट की ज़रूरत हमें है, उसको हम चाहते हैं कि लोग आर्ट को अपनी ज़रूरत में शामिल करें। बिल्कुल जी। अच्छा आप क्या कहेंगे, इस तरह के जो काम होते हैं प्राइवेट सतह पर तो होते हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग करते हैं, मगर सरकारी सतह पर इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत कम नज़र आते हैं, तो आप क्या कहेंगे अगर हुकूमती सपोर्ट हो तो ये प्रोग्राम या ये आर्ट कितना फरोग हो सकता है, लोगों तक बआसानी पहुंचाया जा सकता है? देखिए सरकारी सतह पर हमारी कोशिश यही होगी कि हम कुछ लेटर राइटिंग कर दें, फिर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इन्फॉर्म करें, फिर उनके जवाब का इंतज़ार करें। हमने ये कुछ नहीं करना है, प्राइवेट लेवल पर हमने इस मुहिम को चलाना है, काफले को हमने आगे बढ़ाना है। और काम आर्ट के लिए जो करना है वो बेलॉस, पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, पैसे खर्च हो रहे हैं, हुकूमत साथ दे रही है नहीं दे रही, हमको इसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो हमने इस मुहिम को आगे चलाना है और इसको इंशाल्लाह एक तहरीक में तब्दील करना है। आर्ट की दुनिया, आर्ट की जबान, आर्ट जिंदाबाद, उसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, जहां तक चल रही है हमने कभी भी ये सोचना नहीं है कि भाई इस सफर में हमें क्या फायदा हुआ। ठीक, हमने उस फायदे को इस वक्त बिल्कुल हटा दिया है। इंशाल्लाह उस हमसफर में बड़े बड़े इदारे भी शामिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंसान ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही। जब उन्हें पता चलेगा कि यार ऐसे भी लोग हैं जो बेलॉस हैं, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ उनकी भी कुर्बत हासिल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।